Hello students, I am Gurvinder Kaur, senior faculty at Abhimanyu IAS. A very warm welcome all of you in this session. और आज हम यहाँ पे PCS exam के लिए एक छोटा सा session है students, guidance के point of view से, right? As you already know कि जो notification है वो आने वाली है, right? पंजाब PCS की last time जो notification थी वो 2021 में आई थी और अभी जो है वो 2023 है, राइट? और अगर आप पीछे वाला ट्रेंड देखो, मैंने कई बार बात की है कि 2012 में पेपर होता है, फिर 14 में, फिर आपका 17 के अंदर नोटिफिकेशन आती है और फिर 2020 में आती है, राइट? तो हर दो साल के बाद एवरी टू ईयर के बाद जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, बट अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा निकल गया है क्योंकि नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई. उसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि जो चेयरपर्सन है PPSC के, वो अभी चेंज हुए हैं और अभी बस फाइल आई थिंक सो कि फाइनल हो ही गई है, तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है. और इवन गवर्नमेंट ने भी इस पर एक हिंट दिया है, राइट? गवर्नमेंट ने भी अब अनाउंस कर दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 2024 में कंडक्ट हो जाएगा, राइट? सो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है. सो दैट्स वाई स्टूडेंट प्रिपरेशन का पहले होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पहले अपनी प्रिपरेशन नहीं करके रखेंगे स्टूडेंट, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, प्रॉब्लम ये होगी स्टूडेंट की अगर आप प्रीलिम्स प्रिपेयर कर भी ले जाते हो, क्लियर हो भी जाता है, तो आप मेंस नहीं कर पाओगे, है ना? क्योंकि आपने तैयारी नहीं की पहले, राइट? नोटिफिकेशन के बाद इतना टाइम तो नहीं मिलता है कि आपको साल भर का टाइम मिल जाए या आपको 7-8 महीने पहले पता लग जाए, गवर्नमेंट पहले नोटिफिकेशन निकाल दे, ऐसा नहीं होता है. ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 2-2.5 महीने दिए जाते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीलिम्स ही रेडी हो पाता है मुश्किल से, वो भी बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद. मेंस का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना? तो सर दैट्स वाई स्टूडेंट मेंस की प्रैक्टिस, मेंस के क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस करना एडवांस में, उनको पहले से तैयार करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट का एक डाउट है, स्टूडेंट का बहुत ही सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा भी है इवन, तो उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट और इवन कई बार मेरे से पूछा भी है सेमिनार्स के अंदर कि मैम वाई पंजाब पीसीएस ही क्यों, कि हमें पंजाब PCS का एग्ज़ाम ही क्यों देना है, और दे लेते हैं ना मैम, हरियाणा PCS दे लेते हैं, हिमाचल प्रदेश दे लेते हैं, राजस्थान दे लेते हैं, वाई पंजाब PCS, वाई यू शुड ऑप्ट फॉर पंजाब PCS, राइट? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट, कि पंजाब PCS ही क्यों, क्या है ऐसा पंजाब PCS में जिसके लिए इतनी सारी जद्दोजहद लग रही है, इतना सारा स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं बैठ के, वाई? तो पहली जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्टूडेंट की, दैट इज़ द लेस कॉम्पिटिशन. अगर आप बाकी स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स देखो और उनके साथ आप अगर अपना अपना कंपैरिजन करो पंजाब PCS का, तो इट इज़ अ वेरी लेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. व्हाई आई एम सेइंग दिस वन, आई हैव अ रीज़न स्टूडेंट, ठीक है? क्यों? उसके पीछे का रीज़न जो है वो सेकंड है, दैट इज़ द पंजाबी लैंग्वेज. पंजाब PCS के अंदर स्टूडेंट पंजाबी लैंग्वेज इज़ अ कंपल्सरी लैंग्वेज. आपको मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर आपसे लैंग्वेज के अंदर आपको एक पेपर लिखना ही पड़ेगा पंजाबी लैंग्वेज के अंदर, और उसके लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि आपके पास 10th में पंजाबी होनी ही चाहिए. तो हरियाणा के कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर, ठीक है, कुछ आप राजस्थान के ले लीजिए, उनको छोड़कर, तो ये कॉम्पिटिशन जो है ना वो एक तरीके का लिमिटेड हो जाता है पंजाब के आस पास के एरिया और पंजाब तक. अगर आप बाकी स्टेट्स में देखो तो वहाँ पे जो कंपलसरी लैंग्वेज है दैट इज़ द हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी ऑलमोस्ट सबके पास होती ही है 10th के अंदर, है ना? अगर कोई पंजाब का बच्चा, उसके पास भी हिंदी होती है 10th तक. सो दैट्स वाई स्टूडेंट यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है, राइट? सो दैट्स वाई कॉम्पिटिशन काफ़ी लेस हो जाता है, राइट? UPSC का एग्ज़ाम पूरे इंडिया का कोने कोने से बच्चा देता है स्टूडेंट, तो आप वहाँ पर कॉम्पिटिशन देख ही सकते हैं, राइट? बाकी स्टेट PCS है जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात, तो आसपास के स्टेट के बच्चे भी उसके लिए कॉम्पीट करते हैं, बट पंजाब में ऐसा नहीं है क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज है, ठीक है? तो वो एक तरीके का बैरियर भी है और एडवांटेज भी है कि एक कॉम्पिटिशन कम है, कम एरिया के स्टूडेंट वहाँ पर कवर हो रहे हैं. सो दैट्स वाई स्टूडेंट पंजाब का जो PCS है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी टू क्रैक,
ठीक है, वेरी इजी टू क्रैक. सेकंड थर्ड रीज़न जो मेरे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, दैट इज़ नो ऑप्शनल सब्जेक्ट. बाकी अगर आप पेपर देखो, यूपीएससी का देखो या बाकी स्टेट पीसीएस को देखो, तो उसके अंदर स्टूडेंट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रेडी करना पड़ता है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. मेंस में जैसे 7 सब्जेक्ट है, 2 आपको और सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ऑप्शनल, ठीक है, 2 और तैयार करनी पड़ेंगी आपको पेपर, पेपर 1, पेपर 2, और आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो मास्टर्स लेवल तक का होता है, ठीक है, मास्टर्स तक के लेवल का आता है, ठीक है जी. अच्छा, तो आगे मैं बात करती हूँ फोर्थ रीज़न की, कि चौथा रीज़न क्या है स्टूडेंट हमारे पास इसको प्रिपेयर करने का. फोर्थ रीज़न है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, दैट इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. मैं ऊपर लिख देती हूँ स्टूडेंट फोर्थ रीज़न यहाँ पे, दैट इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग नहीं है स्टूडेंट किसके अंदर, अब तक स्टूडेंट कोई नोटिफिकेशन ऐसी आई नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने ऐसा कोई वो नहीं दिया है जिसमें उसने बताया हो कि पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो आ रही है. तो स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सी सेट प्लस जीएस दोनों के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं अटैम्प्ट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई स्टूडेंट देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. कॉम्पिटिशन बहुत कम है, पंजाबी लैंग्वेज है, ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, ठीक है, नो ऑप्शनल सब्जेक्ट. दूसरा स्टूडेंट जो अब जो मैं आपको रीज़न दूंगी वो इतने इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ अपने स्टेट में काम करने का जो मज़ा है वो बहुत ही बहुत अच्छा रहता है. दैट इज़ योर ओन स्टेट कैडर. अगर आप पंजाब के आसपास के इलाके के भी हो तो भी स्टूडेंट, और अगर आप पंजाब के हो तो भी, तो आपको अपने स्टेट के साथ एक अलग तरीके का लव, एक अटैचमेंट, इमोशनली आप जुड़े होते हो स्टेट के साथ, और आप उस स्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फिर वो वहाँ की ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फिर वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वहाँ पे गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स हैं, दे नो यू नो वेरी वेल, है ना. तो कहीं ना कहीं आपके मन में होता है कि यार क्यों ना मैं इसी स्टेट के लिए काम करूँ जहाँ पे मैं पैदा हुई या मैं पैदा हुआ. तो आप अपना स्टेट का जब आपको कैडर अलॉट होता है और उसमें आप एक इतनी बड़ी पोस्ट पे जाते हो और फिर आप अपने स्टेट के लिए काम करते हो, तो स्टूडेंट फिर वहाँ पे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना. और जो सिक्स बात चीज़ है, दैट इज़ द पर्क्स एंड बेनिफिट्स. जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं पंजाब पीसीएस के ऑफिसर्स के लिए, ठीक है. बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट. तो वो बहुत अच्छे हैं पंजाब पीसीएस में, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट जो आपको मोटिवेट भी करती हैं पंजाब पीसीएस का एग्ज़ाम देने में भी, ठीक है. पहली जैसे मैंने बताया पंजाबी लैंग्वेज, इसकी वजह से कॉम्पिटिशन कम होता है. दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तीसरी चीज़ यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है ना, आपको प्रिपेयर करने में कितनी आसानी होगी कि आपको एक पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करना है, कितना कम टाइम आपका बहुत सारा आपका टाइम सेव हो जाएगा. उन बच्चों से पूछ के देखना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रेडी करते हैं, ठीक है. अच्छा, फोर्थ थिंग है कि आपको अपना स्टेट, खुद का स्टेट का कैडर वही अलॉट होता है, तो आपको अपने स्टेट में सर्व करने का मौका मिलता है ना. पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट पंजाब पीसीएस के. सो स्टूडेंट एन नंबर ऑफ़ बेनिफिट है. इसके अलावा भी हो सकता है मैं रिकॉल ना कर पा रही हूँ, मैं फॉरगेट हो गई हूँ, बट आपको ज़रूर पता होगा है ना कि यार ये भी एक बेनिफिट है, राइट. तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट, कि और कौन कौन से बेनिफिट है, राइट. तो स्टूडेंट आपको पंजाब पीसीएस एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ओके, ठीक है जी, ओके जी. तो इसी के साथ स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट कर रही हूँ, वो है हमारा पंजाब पीसीएस का बैच. पंजाब पीसीएस का बैच स्टूडेंट्स लॉन्च हो चुका है एट अभिमन्यु आईएएस. तो आप फटाफट से पंजाब पीसीएस बैच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आए देन यू कैन कॉल अस. आपको नंबर नीचे डिस्प्ले में ज़रूर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं. और इवन और भी अगर आपको कोई क्वेरी है, राइट, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी. तो तब तक के लिए मैं यहाँ पे ये लेक्चर कर रही हूँ ओवर, ठीक है. और सबको एडवांस में स्टूडेंट हैप्पी दिवाली. आप पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है स्टूडेंट, ये लाइट का फेस्टिवल है,
पॉजिटिविटी के साथ, अच्छाई के साथ स्टूडेंट अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करते हुए इस फेस्टिवल को आप सेलिब्रेट कीजिए। अगेन स्टूडेंट्स, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, राइट? और अभी मैं इस सेशन को यहाँ पे ओवर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।